तो ये है दुबई की मेन मार्केट, इसका कुछ नाम है बर दुबई। क्या नाम है? बर दुबई। बर दुबई, ये है बर दुबई। वाह, गजब की खूबसूरती है। देखो जिसको जिसको लालच लग रहा है, देखिए वैसी को पीएम बनाओ और इंडिया को ऐसा पाओ, है कि नहीं? ये है मुस्लिम कंट्री। तुम लोग बड़ा पंचर छाप बोल रहा है, तुम लोग गोबर लग अंदर इतना दम है ऐसा बनाने का? मुसलमान को पंचर छाप बोलते हैं। जब दुबई का बात करो तो बोले नहीं ना, वो लोग तो अलग टाइप का मुसलमान है। वो लोग तो अलग टाइप का मुसलमान है भाई, वो भी अलग बात करता, हम लोग भी अलग बात करते, कोई अलग वाला कोई नहीं है, कोई अलग नहीं है। और सिग्नल लाइट का भी अपना क्वालिटी है, इसको जूम करके देंगे। सामने की फोटो बाबा जैद है जो बनाए इमारत शेख जैद ही। सब रूल रेगुलेशन को सही तरीके से फॉलो कर रहा। कंट्री ऐसे थोड़ी बड़ा होता है, पब्लिक और सरकार दोनों मिल के मेहनत करता है तब कंट्री बड़ा होता है। दुबई में अनभक लोग आबादी ज्यादा हो जाए तो दुबई दुबई थोड़ी रहेगा, गोरखपुर बन जाएगा, गुजरात बन जाएगा। ये सब पार्किंग है ना, पार्किंग का फैसिलिटी अलग। ये है शानदार मस्जिद। हम लोग अभी जा रहे हैं लस्सी पीने के लिए। बहुत सारे इंडियन है यहाँ, पूरे रास्ते में इंडियन ही इंडियन है खड़े हैं। खूबसूरत जगह है और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि ईमानदारी से काम हुआ है, कोई करप्शन नहीं, कोई अंधभक्त नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी। देखें कपड़ा का दुकान, और मोस्टली दुकान में इंडियन नहीं बैठे हुए ना, इंडिया पाकिस्तान, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा नहीं है, लेकिन इंडिया में इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा है। देखो इंडिया पाकिस्तान मिल के रहते तो देश ऐसा बन जाता है, पर अनभक्त को तो चाहिए नहीं पाकिस्तान को मारो, पाकिस्तान को बोले इंडिया को मारो, ऐसा नहीं चलेगा। देश तरक्की तभी करेगा जब सब मिल के रहेंगे।